हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अमित आहूजा, जहां कोशिश पल पल के सारे अपडेट के साथ आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेस्ट गाइडेंस देने की हमारी लगातार बनी हुई है। गाइस, जेईई मेन 2023 का आप सभी को रेस्पॉन्स शीट, फाइनल आंसर की से पहले प्रोविजनल आंसर की और क्वेश्चन पेपर का बहुत बेसब्री से इंतजार है। हालांकि आपके रिकॉर्ड रेस्पॉन्स, प्रोविजनल आंसर की और क्वेश्चन पेपर एक या दो दिन के अंदर आ जाएंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब तक के ट्रेंड के हिसाब से रिजल्ट के एग्जाम के 3 से 4 दिन बाद आपके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स आप तक आ जाते हैं। तो ये तो एक बात हुई कि आपके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स ऐसी एक्सपेक्टेशन है, जैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, रिजल्ट की डेट भी आपको बताई थी, एक दो दिन में आपका ये आ जाएगा और उसके साथ रिजल्ट आपका बहुत ही जल्दी डिक्लेयर होगा। इवन तक अगर लास्ट डेट के हिसाब से भी सोचे तो 29th अप्रैल तक आपका जेईई मेन का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट आने के बाद आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उन सारे बच्चों के लिए होने वाला है जो जेई एडवांस 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जहां एक और हर कोई बच्चा जेई मेन की जो मिनिमम कट ऑफ मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको डाला भी था, काफी सारे व्यूज उसमें भी आए हैं अभी तक, बच्चों को ये एक आइडिया लग गया है कि वो जेई एडवांस के लिए किस तरीके से एंटाइटल होंगे। लेकिन जेई मेन के पढ़ाई में बच्चे जेई एडवांस को फोकस होकर अब लग गए हैं, जिनका जेई एडवांस की क्लैरिटी है कि वो एडवांस की कट ऑफ को क्लियर करेंगे, और जिनको ऐसा है कि वो लगभग उस बॉर्डर लाइन पे वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जहां एक और आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जब से जेई मेन के एग्जाम फिनिश हुए हैं, बल्क में बच्चों की मेरे पास क्वेरीज आना चालू हो गई है कि सर, एडवांस की फॉर्म फिलिंग के टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट का हम पहले से अरेंज करके रख लें, क्योंकि एडवांस की फॉर्म फिलिंग के लिए जेई मेन की फॉर्म फिलिंग के बराबर का टाइम नहीं मिलता है। आप सभी को ध्यान है कि जेई एडवांस की फॉर्म फिलिंग आपकी 30 अप्रैल से चालू होकर 7 मई तक चलेगी। इस बार तो फिर भी गवर्नमेंट ने आपको 9 डेज का 30-31 से लेकर 7 अप्रैल तक 9 डेज का एडवांस की फॉर्म फिलिंग का टाइम दे दिया, नहीं तो हमेशा गवर्नमेंट 5 से 6 दिन का ही जेई एडवांस की फॉर्म फिलिंग के लिए टाइम देती है। तो जेई एडवांस की फॉर्म फिलिंग के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास क्या होने चाहिए, और बहुत ज्यादा क्वेरी मेरे पास ओबीसी ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट को लेकर आ रही है, क्योंकि अभी तक जेई मेन के अंदर और जेई एडवांस के अंदर 1st अप्रैल 2023 के बाद का डॉक्यूमेंट लगाना होता है, और जेई एडवांस के अंदर फॉर्म फिलिंग में आप सभी स्टूडेंट को अपने 10th की ओरिजिनल मार्कशीट या ओरिजिनल मार्कशीट की फोटो, 12th की ओरिजिनल मार्कशीट या 12th की मार्कशीट ओरिजिनल की फोटो, जिन बच्चों का भी 2023 में एग्जाम हुआ है, अगर उनका रिजल्ट नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों ने 2022 में बोर्ड का एग्जाम दे दिया है और जिन बोर्ड्स के रिजल्ट आ चुके हैं या उस समय तक बाय द वे और बोर्ड्स के रिजल्ट भी आ रहे होंगे, वो बच्चे अपने 12th की मार्कशीट ओरिजिनल अरेंज करके रखें, या फिर डीजी लॉकर से, इंटरनेट से निकाली हुई मार्कशीट, ये मार्कशीट उनके पास हो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं उनके पास 12th की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। तो 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास हो, 2023 वालों के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि उनके रिजल्ट आएंगे, मार्कशीट बहुत आगे आएगी, वो कोई टेंशन उनके लिए नहीं है। अब 10th और 12th की मार्कशीट के अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1st अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। तो ओबीसी डब्ल्यूएस के बच्चों, बात मेरे ध्यान से सुनो, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपको जेई एडवांस के फॉर्म फिलिंग में लगाना होगा, 1st अप्रैल 2023 के बाद का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, उससे पहले का सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि जब हम एडवांस के फॉर्म फिलिंग में अपनी कैटेगरी ओबीसी या डब्ल्यूएस भरते हैं तो उसमें ये डेट मांगता है, डेट भरनी होती है जेई एडवांस के फॉर्म में कि आपका सर्टिफिकेट 1st अप्रैल 2023 के बाद का कब का बना हुआ है। तो आपके पास 10th 12th के मार्कशीट के अलावा अपना ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1st अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। इसके अलावा एससी एसटी वाले बच्चों के पास जो भी उनका सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट वो एक बार देख लें, जोसा की वेबसाइट पर अभी भी लास्ट ईयर के जो सारे डॉक्यूमेंटेशन उनके फॉर्मेट्स को पूरे तरीके से अभी भी अपलोड रखा गया, उनको हटाया नहीं है। एससी एसटी वाले बच्चों का ध्यान दे सुनिए, उनका सर्टिफिकेट जो होता है वो एक ही बार बनता है, इसलिए उनके लिए कोई चिंता नहीं है कि 1st अप्रैल की कोई ऐसी बाउंडेशन हो। एससी एसटी का सर्टिफिकेट एक बार बनेगा, वो उनके पास जो भी है उसको लगाएं, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जरूर चेक कर लें, लेकिन ओबीसी डब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1st अप्रैल के बाद होगा। खासकर ओबीसी वाले मेरी बात को और ध्यान से सुने, ओबीसी में केवल उसी बच्चे को रिजर्वेशन मिलता है जिसकी नाम ओबीसी कैटेगरी में तो है, नॉन क्रीमी में भी है, लेकिन वो सेंट्रल लिस्ट के अंदर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ध्यान से सुनिए, 1st अप्रैल 2023 के बाद का डॉक्यूमेंट अगर ओबीसी कैटेगरी है तो सेंट्रल लिस्ट में उसको चेक कर सकते हैं। एनसीबीसी की वेबसाइट पर पूरी सेंट्रल लिस्ट दी हुई है कि बच्चा ओबीसी कैटेगरी में, नॉन क्रीमी में है, पेरेंट्स के अनुमान के हिसाब से, और सेंट्रल लिस्ट में भी उसकी कैटेगरी आ रही नहीं आ रही है। लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे स्त्री को लेकर मेरे पास कई बार कंफ्यूज होते हैं, पूछते हैं कि सर, हमारी ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी
कैटेगरी है तो हमें सेंट्रल लिस्ट में आना जरूरी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कोई सेंट्रल लिस्ट नहीं होती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दो कंडीशन होती है, या तो पेरेंट्स की इनकम 8 लाख से कम हो और उसके साथ साथ 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट रेजिडेंशियल मकान नहीं होना चाहिए। EWS का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, OBC का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जोसा की वेबसाइट में मिल जाएगा, लेकिन EWS सर्टिफिकेट में कोई भी सेंट्रल लिस्ट नाम का वर्ड नहीं होता। केवल दो कंडीशन, पेरेंट्स की एनुअल इनकम और रेजिडेंशियल प्लॉट वाली दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ओबीसी के लिए सेंट्रल लिस्ट का फॉर्मेट होता है, सेंट्रल लिस्ट कैटेगरी में आना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। अब बच्चे मुझसे ये बोल रहे हैं, क्योंकि मैसेज मेरे पास आए हैं कि सर हमारा तो एडवांस का एग्जाम के लिए फॉर्म फिलिंग 30 से चालू होगा, 30 अप्रैल से 7th ऑफ मई तक लास्ट डेट है, जो कि गवर्नमेंट ने 3 दिन बढ़ा दी, पहले 4th ऑफ मई थी। अगर इस समय तक हम डॉक्यूमेंट नहीं बना पाए, क्योंकि हमारे पास हम पढ़ाई को लेकर के बहुत इंगेज हैं और अब हमारे पास ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाने का टाइम अभी इतना नहीं है, हम रश हो जाएंगे। प्लीज़ मैं सारे बच्चों को स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहे आफ्टर 1st ऑफ अप्रैल, तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि एडवांस की फॉर्म फिलिंग के टाइम में भी एडवांस का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पेज नंबर 101 और 102 पे या 103 पे ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए डिक्लेरेशन दे रखा है। इस डिक्लेरेशन के बेसिस पर आप जेई एडवांस के फॉर्म फिलिंग को पूरा कर सकते हैं, और इस डिक्लेरेशन जैसे आपने जेई मेन में भी लगाया था, जेई एडवांस की वेबसाइट पे फॉर्मेट क्लियर दिया हुआ है। अंडरटेकिंग आपको ये देनी होगी कि हम अभी फॉर्म को फिल कर रहे हैं, हमारी कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस है जिससे हम एडवांस के एग्जाम के लिए एंटाइटल हुए हैं, और उसके साथ ही हम सर्टिफिकेट अभी नहीं दे रहे, लेकिन हम जोसा काउंसलिंग के बाद फर्स्ट राउंड में जब हमें कॉलेज मिलेगा, हम उस समय ऑनलाइन रिपोर्टिंग या जोसा काउंसलिंग का जो प्रोसेस चल रहा होगा उस रिपोर्टिंग के ड्यूरेशन में हम हमारा सर्टिफिकेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 1st ऑफ अप्रैल के बाद का प्रोड्यूस कर देंगे। ये डिक्लेरेशन या एक अंडरटेकिंग का फॉर्मेट जेई एडवांस के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, और मैं तो सारे बच्चों को स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि अभी अपना टाइम बर्बाद वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बनाने में ना करें, क्योंकि अभी कट टू कट बच्चे के पास टाइम अपना पढ़ाई पे फोकस करने का पूरा एडवांस एग्जाम के लिए है। आपका एडवांस का एग्जाम 4th ऑफ जून के बाद, रिजल्ट आपका 18th ऑफ जून को आ रहा है, 19 जून से आपका काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा, और चॉइस फिलिंग के लिए कम से कम आपको 10 डेज का टाइम मिलेगा, जो कि आपका जून के लास्ट तक आपका चॉइस फिलिंग चलेगा। उसके बाद जुलाई के 1st वीक में आपका चॉइस फिलिंग के बाद फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट होगा, जिस समय आपका पहले राउंड का अलॉटमेंट होगा जो कि जुलाई का 1st वीक होगा, उस समय आपको ये अंडरटेकिंग जो मैंने अभी बताई है इससे आपको तब तक सर्टिफिकेट अपलोड करने तक का टाइम मिल जाएगा। तो गाइज आप इस चीज को लेके हौचपौच मत होइएगा कि हमें अभी सर्टिफिकेट बनाना है, टाइम बहुत हौचपौच है। मैं सबको कहना चाहूंगा 4th ऑफ जून के बाद में सारे बच्चे बिल्कुल फ्री हैं, जेई एडवांस का एग्जाम देने के बाद आप आराम से उस समय अपना डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा, क्योंकि चॉइस फिलिंग के बाद में पहले राउंड के अलॉटमेंट में जो भी आपको कॉलेज मिलेगा उस समय आपको जो आपने अंडरटेकिंग जेई एडवांस के फॉर्म में दी है उस समय आपको डॉक्यूमेंट देना होगा, उससे पहले आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। तो प्लीज परेशान बिल्कुल मत होइएगा। आप अगर अभी सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे, जो कि मैं खुद कह रहा हूं बनाने के अभी इतना इमरजेंसी में जरूरत नहीं है कि हम एडवांस के फॉर्म फिलिंग से पहले भागा दौड़ी करें और उस समय सर्टिफिकेट बनाए, आप आराम से अंडरटेकिंग दीजिए। अंडरटेकिंग का फॉर्मेट जेई एडवांस के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है, इससे आपको जुलाई के 1st वीक में जब आपका पहले राउंड का अलॉटमेंट आएगा तब तक का टाइम आपको ओबीसी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1st ऑफ अप्रैल 2023 के बाद का बनाने का मिल जाएगा। तो अभी हौचपौच मत होइएगा, 4th ऑफ जून के बाद सारे बच्चे फ्री होते हैं, 4th ऑफ जून से लास्ट जून तक जब आपका चॉइस फिलिंग चलेगा उस समय भी आपको नहीं चाहिए, आपका पहले राउंड का जब अलॉटमेंट आएगा तब आपको चाहिए। तो आपको पूरा 4 जून से लास्ट जून तक अपने सर्टिफिकेट को ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 1st अप्रैल के बाद का बनाने का टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी को लगता है वो अभी बनवा सकता है तो बनवा के रख ले, अभी जो 1st अप्रैल के बाद का डॉक्यूमेंट बनवाएगा वो उसका काउंसलिंग के टाइम तक डॉक्यूमेंट वैलिड रहेगा, उसकी चिंता मत करिएगा। लेकिन अगर आप नहीं बनवा पा रहे तो मैं सबको बोलना चाहूंगा परेशान मत होइएगा, काउंसलिंग के टाइम तक आपको डॉक्यूमेंट अलॉटमेंट पे देना है, जो कि 4 जून से 18 जून तक रिजल्ट आएगा, उसके बाद में 10 दिन का 11 दिन का टाइम मिलता है। तो आप आराम से 4 जून के बाद जून के लास्ट तक अपना डॉक्यूमेंट ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 1st अप्रैल का बनवा सकते हैं, और तभी आपको बनवाना चाहिए। अभी आराम से अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है, इनको अरेंज करके रख सकते हैं, आराम से अपनी पढ़ाई पे फोकस करते रहिए। बहुत सारे वीडियो में लेकर के आने वाला हूँ जो जेई एडवांस पे अब ज़्यादा फोकस रहेंगे, और जेई मेन को हम साथ लेके चलेंगे, जिस बच्चे की जो भी अभी परसेंटाइल आएगी उस पर कौन सा एनआईटी डिप्लॉयटी मिल पाएंगे। मैं बहुत जल्दी थोड़ी सी रेस्पॉन्स शीट का वेट कर रहा हूँ ताकि अपन मार्क्स कैलकुलेट कर लें, जैसे ही आपके मार्क्स आप कैलकुलेट कर लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इस मार्क्स पे आपकी एक्सपेक्टेड परसेंटाइल क्या आएगी और आपको कौन सा एनआईटी डिप्लॉयटी में क्या ब्रांच मिल पाएगी और आपकी ऑल इंडिया रैंक जेई मेन में क्या आने की संभावना है।
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अपनी क्वारी, मैं लगातार आपकी हेल्प करता रहूंगा। कॉलेज एडमिशन तक आपको सारे वीडियो बेसिस में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको प्रॉपर हेल्प और ऑथेंटिक प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी मिलती रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।